So guys, let's come to the main topic of discussion that I told you guys in the morning, that we will talk about the ragging. So guys, ragging जो है वो होती है जब आप juniors होते हैं, जब आप freshers होते हैं और आप आते हैं new, जब आपका admission होता है medical college में, तो आपकी ragging होती है, ठीक है। और रैगिंग की बात करें तो रैगिंग को ऐसे दिल पे लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, इसको दिल पे लेना भी नहीं चाहिए। ये इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ सीनियर जूनियर इंट्रैक्शन। आपको पता है कि जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनमें सीनियर्स जितना अच्छा गाइड करते हैं उतना अच्छा कोई गाइड नहीं करता आपको। तो आपका जो सीनियर्स ने क्या ले लेना है आपके रैगिंग करके, ठीक है। तो सीनियर्स का अगर हम मेन पर्पस बात करें, तो सीनियर्स का पर्पज़ आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट करना नहीं होता। उनका पर्पज़ होता है कि आपके साथ एक अच्छा इंट्रैक्शन बनाया जाए। रैगिंग एक हद तक ठीक है कि सीनियर्स को भी अपनी लिमिट्स नहीं मतलब क्रॉस करनी चाहिए, कि बच्चों की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कायम रहे, तो ऐसे इकदाम ज़रूर करने चाहिए। बट रैगिंग जो है ना, उसको दिल पे लेने वाली कोई बात नहीं है। तो आप ये समझ लें कि अगर आपकी रैगिंग हो जाती है तो इट इज़ योर ट्रिमिंग, एक जो है वो एक स्टोन हो, ठीक है, आपको तराशा जा रहा है। तो ये एक जो है ना, यू कैन अज्यूम इट लाइक अ किलन, के जिसके अंदर आपको अभी पकाया जा रहा है। ये आपके जो होते हैं ना, ये आपके अंदर पेशेंस पैदा करेगी, टॉलरेंस पैदा करेगी। किसी की होती है, किसी की नहीं होती। मोस्टली जो डे स्कॉलर्स है ना, डे स्कॉलर बॉयज़ की रैगिंग होती है मोस्टली, और गर्ल्स अल्हम्दुलिल्लाह सेव हैं। तो मैं भी डे स्कॉलर थी, तो हमारी रैगिंग ऐसे मतलब इंट्रोडक्शन वगैरह ही जो है ना, वो सीनियर्स ने लिया था। ऐसे कोई ज़्यादा जो है ना, जो इमोरल कोई एक्टिविटी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा था, और इमोरल एक्टिविटीज़ करवानी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि रैगिंग होगी, पता नहीं क्या होगा। तो इसको आप एज अ फ़न लें, चिल करें, कि ये जो मोमेंट्स हम अपने सीनियर्स के साथ गुजार रहे हैं ना, ये फिर बाद में नहीं आने, ठीक है। इसको एज अ चिल लें और इंजॉय करें, बिल्कुल भी दिल पे ना आता होते कि हम FSC मैट्रिक तक ना, हमारे साथ सारे बहुत अच्छा डील करते हैं, हमें ऐसे पैम्पर्ड इन्वायरमेंट में रखा जाता है। इतनी गर्मी है यहाँ पे, यू कैन सी माय स्वेट, सो आई एम मेकिंग द वीडियो। ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक। अब हमें जो है ना, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को फेस करना आना चाहिए। तो इट इज़ फर्स्ट स्टेप, अगर किसी की रैगिंग होती है तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि उसके अंदर टॉलरेंस बिल्ड होती है, ठीक है। क्योंकि अब ज़िंदगी में आपके साथ बहुत तरह के मामलात होते हैं, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हर मामला जो है वो आपकी फेवर में जाए, ठीक है। तो इसलिए इट इज़ योर ट्रिमिंग, इट इज़ योर ट्रेनिंग, टेक इट एज़ योर ट्रेनिंग, कि आपकी ट्रेनिंग हो रही है और इसको अपनी ट्रेनिंग के तौर पे लें। और इसमें बिल्कुल भी रोने की या घर वालों को बताने की या किसी को शिकायत लगाने की, या बहुत से बच्चों मैंने देखे कि वो VC तक पहुंच जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, ये इसकी कंप्लेन करना बनता ही नहीं है। देखें ना, जब आपके, मैं तो वैसे नहीं करती रैगिंग, जो करते भी हैं उनका जस्ट ये पर्पज़ होते हैं कि हम अपने जूनियर्स के साथ अच्छा इंट्रैक्शन बिल्ड करें, उनके साथ अच्छा इंट्रैक्शन बनाएं, उनको जानें। तो ये जो है ना, मेडिकल कॉलेजेस में या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी में देख लें तो जूनियर्स की रैगिंग होती है। अब अगर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें इतनी रैगिंग नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी रैगिंग सोसाइटीज़ भी काफ़ी एक्टिव हैं। तो इतना परेशान होने की बिल्कुल भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि हम लोग अपने फ़र्स्ट डे पर आएँगे जी, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। इंशाल्लाह योर सीनियर्स आर रियली ग्रेट, एंड यू विल बी ग्रेटफुल फॉर योर सीनियर्स व्हेन यू विल मीट योर सीनियर्स, एंड इंशाल्लाह यू विल बी प्लीज्ड। यू आर ब्लेस्ड पीपल, यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस प्रीशियस मेडिकल प्रोफेशन। और इसमें अगर आपको कोई भी हर्डल आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको वेलकम करें, उसको वार्मली वेलकम करें कि हमें, हमारी ट्रेनिंग हो रही है, हमें सिखाया जा रहा है, हमारी ट्रेनिंग हो रही है, कि कल को अगर हमारे साथ कोई ऐसा मसला होता है, कोई हमारे साथ कोई बदतमीज़ी करता है तो, या फिर कुछ भी करता है, तो हमारे अंदर पेशेंस आती है, रैगिंग को बर्दाश्त करके पेशेंस आती है, ठीक है। और अपने सीनियर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें। मैंने आपको बताया कि आपके यही सीनियर्स हैं जिन्होंने आपको गाइड करने हैं, ठीक है। और जब तक आपके सीनियर्स आपको गाइड नहीं करेंगे, कोई भी सीनियर हो, जब तक वो आपको गाइड नहीं करेंगे, तब तक आप मेडिकल पास कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो
टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, ठीक है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करें और अपने जो सीनियर्स हैं उनका ख़ास तौर पे, टीचर्स का ख़ास तौर पे अदब करें और अपने टीचर सीनियर्स का अदब करें, ठीक है। यहाँ पे सीनियर जूनियर रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, आपके सीनियर्स एज टीचर्स आप लोगों को गाइड करते हैं, ठीक है। इतनी गर्मी में अब मेरा ही देख लो, मैं अभी आप लोगों से मिली भी नहीं हूँ और कब से मैंने 3 मंथ्स हो गए हैं आप लोगों के लिए स्ट्रगल स्टार्ट की हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप, एफबी ग्रुप और यूट्यूब पे आप लोगों को गाइड करना, आप लोगों को समझाना, और बच्चों के काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं कि हमें इतनी चीज़ें नहीं पता थी। ये ऐसे ही हमारे साथ था जब हम जूनियर थे, हमें भी इतनी चीज़ें नहीं पता थी, तो क्या हुआ हमारे सीनियर्स ने हमें बताया, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे ही है कि हमारे सीनियर्स ने हमें गाइड किया, हम आप लोगों को गाइड करेंगे और कल को फिर आप लोग सीनियर्स बनोगे, ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग फिर सीनियर्स बनोगे, आप लोग अपने जूनियर्स को गाइड करोगे, तो रैगिंग इज़ नथिंग, ठीक है। ये अपने जूनियर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने का एक तरीका है, तो इसको पॉजिटिवली लें, इसको दिल पे लेने की या किसी को शिकायत लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आप लोग इंशाल्लाह सीनियर बनेंगे तब आप लोग भी अपने जूनियर्स के साथ अपना अच्छा इंट्रैक्शन बिल्ड करेंगे, तो व्हाटसएप वेज यू विल यूज़, लेकिन हमेशा ये बात याद रखेंगे इमोरल जो है ना एक्शंस उनसे ना परफॉर्म करवाएं, ठीक है। रैगिंग के नाम पे हमेशा अपने छोटे बहन भाई समझें, जब आपके जूनियर्स आएंगे उनको अपने छोटे बहन भाई समझें, जैसे अब मैं अपने जितने भी जूनियर्स हैं उन सबको बच्चा कह के बुलाती हूँ, ठीक है। तो ऐसे सीनियर जूनियर रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत होते हैं, ठीक है। वो मुझे सारे आप भी कहते हैं, मैम कहते हैं, रिस्पेक्ट ही है, आप अपने सीनियर्स की करें, कल को आपके जूनियर्स आपकी करेंगे, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह अब आप लोगों ने यूनिवर्सिटी आना है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है किसी चीज़ से, ठीक है। अपने सीनियर्स, आपके सारे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, सबके साथ बहुत अच्छे से आप लोगों ने इंटरेक्शन करना है, ठीक है, और रैगिंग से बिल्कुल भी नहीं घबराना, मैं नहीं करूँगी इंशाल्लाह, लेकिन अगर कोई करता भी है ना इतना ही होगा कि वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछ लेगा, ठीक है। तो ऐसी बिल्कुल भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, और ना किसी को शिकायत लगाने वाली बात है। तो और अपने लेक्चर्स अच्छे से लें, ठीक है, और डिसिप्लिन मेंटेन रखें, अपने जो टीचर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है, और अपनी लाइफ को एंजॉय करें, लिव इन द मोमेंट, ऑलवेज लिव इन द मोमेंट, अपने जितने भी मोमेंट्स हैं उनको एंजॉय करें और अपना ख्याल रखें, ठीक है। और अब कोविड-19 जो है वो चल रहा है, ठीक है, तो अपनी जो है वैक्सीनेशन करवाएं सारे बच्चे। अब आप लोग इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी आएंगे तो यू आर वार्मली वेलकम फ्रॉम माय साइड, दैट इज़ महपाड़ा जीआर, एंड आई वार्मली वेलकम यू गाइस। और यूनिवर्सिटी आएं, अपने टीचर्स का एहतराम करें, अच्छे से लेक्चर्स लें, इंशाल्लाह सक्सेस इज़ वेटिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, कीप मी इन योर सिंसियर दुआज़, अल्लाह हाफिज़, बाय।